इधर आओ, कम हियर, कम हियर, आई सेड कम हियर। मामा क्या कर रही हो, बोर तो नहीं हो रही? ईस्टर पकौड़ा। थैंक यू फॉर द ट्रीट। हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं बेटी को खुदा का शुक्र है जी। गाइस, तो एक बार फिर मैं आप लोग के लिए एक न्यू ब्लॉग लेकर आई हूँ। सो गाइस, मैंने आपको बताया था लास्ट ब्लॉग में कि हम लोगों ने ईस्टर मंडे वाले दिन मेले पे जाना है। सो हम लोग अभी मेले पे जा रहे हैं। ईस्टर मेला, आज सेकेंड डे है ईस्टर का, आज मंडे है। सो एवरी ईयर हमारे चर्च में मेला होता है, छोटी सी गेट टुगेदर होती है। बहुत ज़्यादा रश नहीं होता, बहुत लोग नहीं होते, हम उसको मेला कहते हैं, लेकिन आप उसको बोल सकते हैं कि वो एक गेट टुगेदर है। वहाँ पे काफ़ी फैमिलीज आती हैं और स्टॉल्स होते हैं और गेम्स भी होते हैं, बहुत मज़ा आता है। लास्ट टाइम भी मैंने व्लॉग शेयर किया था और उसमें मैंने स्टॉल भी लगाया था गोलगप्पे का, आप लोगों ने देखा होगा। लेकिन इस बार मैं कोई स्टॉल तो नहीं लगा रही हूँ, लेकिन हाँ, हम लोग मेले पे जा रहे हैं, इन्जॉय करेंगे। इस बार जैनी भी है, सो बहुत मज़ा आने वाला है। और मैं रेडी हो गई हूँ, बस मैं कंफ्यूज हो रही हूँ कि मुझे ये वाली इयररिंग पहननी चाहिए या ये वाली। बाकी भी सब रेडी हैं तो सबसे पूछते हैं मैं कौन सी इयररिंग पहनूँ। मामा रेडी? मामा सबसे पहले रेडी हो जाती हैं। माँ कौन सी इयररिंग अच्छी लग रही है, ये या ये? ये वाली। बस रेडी हो ना, मैं भी रेडी हूँ। जैनी रेडी? अच्छा जैनी, कौन सा इयररिंग अच्छा लग रहा है, ये वाला या ये वाला? ये वाला है, राइट वाला। लॉयड से पूछते हैं। लॉयड, लॉयड अंधेरे में दिख नहीं रहा, इधर आओ, कम हियर, कम हियर, आई सेड कम हियर। बता कौन सा इयररिंग अच्छा लग रहा है, आगे आके रोशनी में आओ, दिख नहीं रहा ना, गार से बाहर आओ। एक्चुअली गाइस, हाँ वो लाइट नहीं है ना, तो इसलिए। अब बता कौन सा, ये वाला? अरे ये वाला है, राइट। अच्छा है। मेरा राइट कि लॉयड का राइट? हमारा राइट। अच्छा ये राइट, मैंने भी यही बोला। अच्छा अच्छा चलो सही है जी। गाइस, तो मैंने ये वाले इयररिंग्स पहन लिए क्योंकि लॉयड और जैनी कह रहे हैं ये सूट कर रहे हैं, तो बस मैंने ये पहन लिए। तो बस अभी हम निकल रहे हैं, तो मेले में आपसे मिलते हैं। जी गाइस, आज मैं मेले पे पहन रही हूँ लाइट पिंक कलर का ड्रेस। डल गोल्डन और वाइट के साथ कंट्रास्ट है। डल गोल्डन इसकी एम्ब्रॉयडरी है, बहुत प्यारी और लाइट सी एम्ब्रॉयडरी है। मैं आपको फुल दिखाती हूँ। जी गाइस, हम लोग चर्च पहुंच गए हैं और मेला स्टार्ट हो गया है। गाइस बहुत शोर हो रहा है, आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही। मैं आपको अपनी फ्रेंड से मिलाती हूँ। हाय, हैप्पी ईस्टर बोलो। हैप्पी ईस्टर। बहुत ज्यादा शोर हो रहा है, तो अभी म्यूजिक बंद हुआ है, तो मैंने सोचा मैं जल्दी जल्दी बता दूं आपको। हम लोग पहुंच गए मेले में और काफी रश हो रहा है, लोग काफी आए हैं, पर शोर बहुत हो रहा है। ज्यादा शोर होगा तो मैं वॉइस ओवर कर लूंगी। हाँ टिकट्स लिए हैं, अभी जाएंगे स्टॉल्स पे, हम चक्कर लगाते हैं, आपको भी दिखाते हैं स्टॉल्स। चना चाट कितने की प्लेट? सो गाइस ये है चना चाट, काफी चली है। हाँ चलो खाएं फिर। ये क्या है, बस यही बचे हैं, खत्म हो गए, ला रहे हैं और कब तक आएंगे? सुनो चीज़ें तो खत्म है, तुम क्या खाओगे? सारे वेस्ट ही जाएंगे मुझे लग रहा है। चना चाट खा, चना चाट चलो फिर लो। लाइक करती हो? अच्छा गरूर बच्चे, मगरूर बच्चे, आजकल के बच्चे देखे तुमने? हाँ, क्या नाम है? अलबाश। अलबाश, हेलो, आप चाट खाओगे? आप चाट खाओगे? तारे खाना चाहता है, बलून। कैसा है? अच्छा है, मैंने टेस्ट किया। हाँ मैंने टेस्ट किया, अच्छा। कैसी तुम लोग बताओ, मजा आ रहा है? हैप्पी ईस्टर। गाइस ये वही है जो लॉयड की शादी पे आया था, इसका फ्रेंड, चाइल्डहुड फ्रेंड। बिल्कुल, आपने कौन से बोले थे? मैंने स्टिंग। स्टिंग भी बोला? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं पता नहीं। एक मैंने कहा ये वाली क्या रहा था, कह रहे वापस लो। पेप्सी है? पेप्सी।
मजा आ रहा है फिर एंजॉय करिए। बहुत एंजॉय करिए। नहीं करिए, इसका फेस बता रहा है कितना एंजॉय करिए। नहीं करिए, बस सही है। अरे नॉर्मल लोग कम है, मैंने आपको बताया था कि मतलब कम लोग होते हैं तो लोग कम है। बोर तो नहीं हो रही? हेलो, गुड इवनिंग। ये देखो यहाँ पे कौन है। हाय, हाय करो, हाय करो। आलू के पकोड़े कितने के हैं? 10 का है। 10 का एक, 3 दे दें। गाइज ये टिकट होती है, पैसों की जगह ना टिकट देते हैं। लाइक मैंने 30 रुपए दिए तो अब ये मुझे 3 पकौड़े देंगे ना। अच्छा, एक पकौड़ा इसका, एक पकौड़ा इसका, एक पकौड़ा मेरा। ओ वाह, 3 पकौड़े। एक मिनट, अरुज पकौड़ा, ईस्टर पकौड़ा, ईस्टर पकौड़ा। थैंक यू फॉर द ट्रीट। मामा अपनी फ्रेंड से बातें करती हुई। ये मामा के जो है बहुत पुरानी फ्रेंड है। कितनी पुरानी आंटी, कितने साल पुराने मामा? 30 साल। 30 ईयर्स पुरानी। हाँ, ये जो है मामा के साथ जॉब करती थी और इनकी बेटी मेरी फ्रेंड है। आंटी हैप्पी ईस्टर बोलो। मामा चलें, लॉयड बुला रहे हैं। हाँ जी गाइस, तो मेला ख़त्म हो गया और अभी हम जा रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि हम डिनर के लिए बाहर जाएंगे, तो अभी हम कुछ खाने पीने के लिए जा रहे हैं। लग रही हूँ, सिर्फ चाट खाया हुआ है। हाँ, भूख लग रही है, तो अब जल्दी जल्दी चलते हैं। तो फिर अभी चलते हैं और फिर मैं वहाँ जाके फिर आपसे मिलती हूँ। गाइस हम लोग आए हैं मैकडोनल्ड्स और मैं और मामा तो आ गए हैं। लॉयड और जैनी का वेट कर रहे हैं, वो बाइक पर हैं, अभी तक आए नहीं है। और ये हमारी फ्रेंड है मरियम और ये छोटू इसका बेबी है। हेलो, हाय, हाय, से हेलो। आ जाओ इधर, इधर आ जाओ। हमें कहा कि मेले के बाद चलो घर चलते हैं, चाय वाय पीते हैं। ज़बरदस्ती हमें अपने घर पे लेके आई है, तो अभी हम इसके घर पे आए हैं, हम चाय पी रहे हैं। सो दोनों जो हस्बैंड वाइफ हैं वो लॉयड के फ्रेंड्स हैं, तो मेले में आए थे तो अभी हम उनके घर आए हैं। मैं आपको दिखाती हूँ इसके हस्बैंड की कलेक्शन, ये देखें। ये इसके हस्बैंड की हॉबी है, फिगर्स कलेक्ट करना। काफ़ी सारी कलेक्शन है इनके पास, ये देखें। ऊपर भी है, दिस वन इज़ चकी, चकी इज़ वाइफ। पीछे नन भी है, ये सारे रेसलर्स हैं।
और ये इट का कैरेक्टर है क्लाउन। अगर आपने मूवी देखी है तो आप पहचान गए होंगे। गाइस फाइनली चाय आ गई है जिसके लिए हम यहाँ आए थे और जिसके लिए मेरा दिल था बेताब। मैं ग्रीन कप में चाय पीऊंगी। हेलो क्यूट बेबी, लुक एट हियर। जेनी का फ्रेंड हो गया ये। हाँ बस दे, दोबारा बस दे, मुझे ढूंढो ढूंढो ढूंढो। जी गाइस, सो हम फाइनली घर आ गए हैं। इतना घूमने फिरने के बाद अब हम घर आ गए हैं और इस वक्त रात के 2 बज रहे हैं। बस अभी 5 मिनट ही हुए हैं हम एंटर हुए हैं। सो काफ़ी लेट हो गया है, बहुत थक भी गए। आज का डे बहुत ज़्यादा टायरिंग था, बिजी डे था। मेले में गए, मेले के बाद मैकडॉनल्ड्स गए, उसके बाद वहाँ पे लॉयड की फ्रेंड ने कहा कि चलो हमारे साथ घर चलो चाय वाय पियो, तो हम उनके घर गए। हमने वहाँ चाय पी, पर आपको पता है चाय के लिए तो मुझसे मना ही नहीं होता तो हम वहाँ गए, हमने चाय वगैरह पी, तो बातें शातें करते कराते अब 2 बज गए। अभी मैंने टाइम देखा है और मामा भी मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा थक गई हैं। मामा थक गई हो क्या? सो बस अभी मैं अपना ब्लॉग यहाँ पर एंड कर रही हूँ। उम्मीद है आपको आज का ब्लॉग भी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है सो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट बिलो, हिट द बेल आइकन बटन एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। मैं बहुत जल्द एक न्यू वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हम सबको अपनी दुआ में याद रखें। बाय बाय।